अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्हाट हैपेंड ये बताना। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। मैंने सोचा आज कुछ भी करके ना व्लॉग स्टार्ट करना है, मतलब रह जाता है। अब तो ये हो रहा है मेरे साथ कि एक हफ्ते में एक डालती थी, अब तो वो भी फुर्सत नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर मैंने हाबिल को उनके बाउंसर में रख दिया था कि मैं कुछ काम निपटा लूँ। हाबिल के लिए मैं बॉयल करने लगी थी एप्पल्स को, क्योंकि है वो माशाल्लाह अभी 5 महीने के, लेकिन मैंने सॉलिड इंट्रोड्यूस कर दिया है थोड़ा बहुत, जो टेस्ट का सेंस है ना वो उसमें आ जाए, अलग अलग चीज़ों को खाने की आदत हो जाए, ऐसा ना हो कि पिकी ईटर्स बने। तो इसलिए मुझे लगा कि मतलब हर पेरेंट्स का अपना एक होता है, लेकिन मुझे था कि नहीं आई हैव टू स्टार्ट अर्ली। तो देखिए यहाँ पर ये स्टीम हो गए हैं और अब बस हम इसको इसमें पलट देंगे। और ये देखें कितने अच्छे से पूरी जो है वो रेडी हो गई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितनी राइट कंसिस्टेंसी की प्यूरी जो है रेडी है बेबी के लिए। ये देखिए यहाँ पर मगरिब हो चुकी है और बहुत जल्दी अब अंधेरा हो जाता है ना। और ये बर्फ़ ज़रा देखिए आप, ये देखिए इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी है और बाहर जाना पड़ रहा है क्योंकि ना कुछ है ना कि ज़रूरी विंटर का सामान लेना है। तो अच्छा है कि बस आज ही हो आते हैं, क्योंकि हाईवेज वगैरह तो ठीक होंगे, ये सब सुबह आएंगे और ये सब क्लीन हो जाएगा। लेकिन इतना ज़्यादा एकदम बर्फ़ हो गई, लगी कहीं से नहीं रहा कि अभी समर आए थे, अभी हाबिल पैदा हुए थे और अभी हाल हो गया। देखने में क्या ज़बरदस्त लगती है लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड है। हम लोग जा रहे थे एक्चुअली मॉल की तरफ, क्योंकि हना की आज छुट्टी जल्दी होती है, थर्सडे है ना, तो इस वजह से हमने सोचा कि चलो आज चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग निकल गए थे। अच्छा पहले ऐसा लगता था कि विंटर आएगा तो हाबिल अभी छोटा है, निकलना नहीं होगा, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हो रहा है कि हर दिन ही निकलना होता है। माशाल्लाह से कनाडा में रहने वाले बच्चे जो हैं वो सर्दी के आदी हो जाते हैं और उनको फिर शायद इतना फील भी नहीं होता। अभी -20 तक में हाबिल जो है वो सर्दी के मज़े ले चुके हैं। नहीं मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, ये जो है ये अलग से प्लांट है और उसके साथ ना ये दिया हुआ है नीचे, मतलब अलग हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये चमचों का रैक मैं सोच रही हूँ इसको लूँ। देखिए डिनर प्लेट्स भी काफ़ी अच्छी लग रही हैं। लैम्प्स कितने प्यारे लग रहे हैं। अब ये बता रही 4 का सेट है या फिर ये एक एक है या चारों इकट्ठा है? एक है, आप लगा सकते हैं। हर -25 है और हना की आइसक्रीम चल रही है। ते हाबिल को एलियन, हाबिल लुक एट दिस एलियन। हाय हाय हाबिल, हाउ आर यू? हेलो बेबी। तो इस तरह का मैट लेंगे तो कार्स वगैरह चला सकता है इस पे। अच्छा लग रहा है ना? या ट्रैक है। शो मी या शी इज राइट, हमें हाबिल के लिए टब चाहिए। हाँ ये बहुत बड़ा लग रहा है। नहीं वी हैव द फ्लावर जिसमें अभी वो नहाता है। देखें कितना क्यूट है ना, लुक एट दिस क्यूट मैट। तो यहाँ बस अब हम घर की तरफ जा रहे थे और हमने क्या लिया, अगर मैं ये आपको बताऊँ तो वो सिर्फ बच्चों की चीज़ें हैं। जब बच्चे एक दफ़ा हो जाते हैं ना तो फिर माँ बाप अपनी चीज़ें लेना भूल जाते हैं। तो यही चीज़ होती है जब भी बाहर निकलो कि बच्चों के लिए ये ले लो, बच्चों के लिए वो ले लो और बस घर चलो। तो यहाँ पर बस घर आने के बाद मैं जल्दी जल्दी डिनर प्रेपरेशन में लग गई थी। थोड़ा सा लेट हो रहा था लेकिन आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल था कि मैं चाइनीज़ स्टाइल कुछ बनाऊँ, तो मैंने चिकन और सब कुछ प्रिपेयर करके गई थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह मैंने लंबाई में चिकन को काट लिया है और आज आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार चाइनीज़ चिकन बनती है। तो इस रेसिपी में जो टाइम थोड़ा लगता है ना वो चिकन की कटिंग में ही लगता है। एक दफ़ा चिकन कट जाए तो बस फिर जल्दी जल्दी स्टेप्स हो जाते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पर 2 से 3 अंडे लेने हैं, मैंने 2 अंडे लिए हैं और उसको मैं अच्छे से फेंट रही हूँ। इतना अच्छे से इसको बीट करना है कि जो झाग होता है ना अंडों में वो आपको नज़र आने लगे, उससे आपको पता चलता है कि अच्छे से अंडा जो है वो फिट चुका है। उसके बाद इसमें हमने जो चिकन कट की थी वो सारी ऐड कर देंगे। अंडों में चिकन ऐड करने के बाद हमें इसमें ऐड करना है मैदा।
2 टेबलस्पून भर कर इसमें मैदा ऐड करना है। यहाँ आप देख सकते हैं 2 बड़े बड़े जो डिनर स्पून होते हैं वो भर के मैंने मैदा इसमें ऐड कर दिया है। और मैदा ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी कॉर्न फ्लावर। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि कॉर्न फ्लावर और कॉर्न स्टार्च जो है ये बनते तो कॉर्न से ही हैं, मगर इन दोनों के जो काम होते हैं ना वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। मतलब जो कॉर्न स्टार्च होता है वो थिक करता है आपका कोई स्टू हो या सॉस वगैरह हो, और जो कॉर्न फ्लावर होता है वो एक फ्लेवर ऐड करता है, एक टेक्सचर देता है खाने को। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर कॉर्न फ्लावर है रेसिपी में तो कॉर्न फ्लावर ही ऐड करना है, कॉर्न स्टार्च है तो कॉर्न स्टार्च करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर उसके बाद मैंने इसमें वाइट पेपर ऐड की और यहाँ पर काली मिर्च ऐड कर दी, ब्लैक पेपर। अच्छा, ब्लैक पेपर आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी मोटी मोटी सी ग्राइंड की हुई भी ऐड की, थोड़ा सा पाउडर भी ऐड किया। इसी पॉइंट पर आप इसमें सॉल्ट भी ऐड करेंगे। अब यहाँ पर मैंने चिकन को फ्राई करने की तैयारी शुरू कर दी। आप देख सकते हैं मैंने ऑयल डाला है और साथ ही अदरक और लहसुन का पेस्ट। अच्छा, मेरे पास टाइम कम था तो मैं इसलिए जो है वो बारीक बारीक चॉप करके जो लहसुन होता है उसको नहीं डाल रही हूँ। बेस्ट रहेगा आप लोग बारीक चॉप करके लहसुन डालें। और यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं जो चिकन हमने मैरिनेट की थी उसको मैं यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ। वैसे तो बेस्ट रहे कि अगर आप उस चिकन को कुछ देर के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ दीजिए फ्रिज में। मेरे पास टाइम कम था तो मैंने फ़ौरन ही उसको सारा कुछ मसाले में लगा के फ्राई करना शुरू कर दिया। फ्राई हमें सिर्फ गोल्डन ब्राउन इसको करना है कि इसका जो कच्चापन नज़र आ रहा है वो ना आए, लेकिन बहुत ओवर कुकिंग इसकी नहीं करनी है। उसका रीज़न ये है क्योंकि जब हम इसका प्रिपेयर करेंगे ना मसाला तो उसमें भी ये पकेगी, तो अगर बहुत ज़्यादा गल जाएगी चिकन तो टूटने लगेगी। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ऑयल में इसमें डाली है शिमला मिर्च, कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करूँगी मैं इसमें। तो उसको इतना तेज़ स्टोव पर आपको पकाना है कि ये चीज़ें बिल्कुल नरम ना पड़ जाएं, अपना कलर ना खो दें, क्योंकि इसकी ब्यूटी ही यही है। और फिर आप देख सकते हैं शुरू में मैंने आपको दिखाया था ना कि मैंने प्याज को भी काटा था स्क्वायर में, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए कलर, यही तो खूबसूरती होती है चाइनीज़ खाने की ना, जो सब्जियों के कलर्स नज़र आते हैं। अच्छे से जब ये सारी सब्जियां जो है सॉटे कर लेंगे तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे वही चिकन जो हमने फ्राई की थी। अब हम इसमें डालेंगे घर में चिली सॉस जो बनाया था वो ऐड किया है, आप लोग बाजार का भी कोई भी चिली सॉस ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ऑयस्टर सॉस। ऑयस्टर सॉस आप 2 टेबल स्पून डाल सकते हैं, टेस्ट के हिसाब से डालिए। और फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। तो यही सारे जो सॉसेस होते हैं असली चाइनीज़ खाने का मज़ा जो है वो निकालते हैं। तो यहाँ देखिए ये भी चला गया और ऑलरेडी आप देख सकते हैं कलर कितना खूबसूरत आ चुका है चिकन में। और यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारी जो चिकन है वो कुछ देर ही तेज़ चूल्हे पर पकने के बाद जो है तैयार हो चुकी है। ये देखिए ज़रा, जब कोई अच्छी चीज़ बनाओ ना तो ये किचन का हाल तो होता है। तो चिकन तो हमारी तैयार हो गई है यहाँ पर मज़ेदार सी, और ये बर्तन भी जमा हो गए हैं, बुरा हाल हो चुका है। लेकिन ये अच्छी डिश बनाओ तो ये तो होता है। और हना अभी हाबिल के साथ खेल रही हैं, उसके डैडी ने उसको सुला दिया था ना, तो मुझे थोड़ी टेंशन कम थी। बस अब इसको समेटते हैं, राइस जल्दी बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। जो हमने चिकन बनाई है ना वो, उसके साथ मैं बना रही हूँ यहाँ पर राइस। ये हरी मिर्चों के राइस हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, फ्लेवर होता है इसमें, तो ये अच्छे लगते हैं। अभी इसके साथ चाइनीज़ राइस भी बन सकते हैं, मगर उसकी इतनी ज़्यादा प्रेपरेशन होती है ना कि बच्चे के साथ तो मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं डबल डबल चीज़ें जो हैं वो बहुत टाइम लेने वाली बनाऊं, तो ये काफ़ी है। उसके साथ ही सिंपल से ग्रीन चिली राइस, ये बहुत सिंपली बन जाते हैं। पानी में हरी मिर्चों का सारा फ्लेवर होता है, फिर आप इसमें गर्म मसाला डाल के और फिर चावल आप इसमें बॉयल कर लें। ये देखिए मैंने कहा था ना कि नेक्स्ट डे सब क्लीन कर देंगे, तो यहाँ पर ये सब कुछ क्लीन कर दिया है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ मेंटेनेंस इंक्लूडेड है, वरना होता है यूजली ये कि आपको ख़ुद बर्फ़ साफ़ करनी पड़ती है, तो ये हैसल से हम फिलहाल बचे हुए हैं। तो देखिए अच्छे से साफ़ हो गया है, बस बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर, अभी -16-17 हो रहा है।